मैं रुणेचा के माता रानी भटियानी स्टूडियो में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीप भी है जिनमें बैठकर आप फोटो खिंचा सकते हैं। इधर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर झूला, आप मेरे साथ आए, ये देखिए खूबसूरत झूला आप, और इस झूले पर आप बैठकर मस्ती से फोटो खिंचवा सकते हैं। उसके अलावा बाबा रामदेव जी की समाधि पर आप जाते हैं तो बाबा के साथ आपको फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बाबा रामदेव जी का बहुत सुंदर चित्र है जहाँ पर खड़े होकर आप बहुत सुंदर चित्र खिंचवा सकते हैं और रुणेचा यात्रा को आप बहुत सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कटआउट है बाबा रामदेव जी महाराज का, कटआउट के साथ खड़े होकर आप फोटो खिंचा सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास बुलेट मोटरसाइकिल हो, तो बुलेट मोटरसाइकिल भी यहाँ पर है जिस पर बैठकर आप फोटो खिंचा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि शायद आप बुलेट ही चला ही रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि रुणेचा यात्रा करने के लिए जब आप आते हैं तो बाबा के दर्शन करने के बाद में स्टूडियो में जाकर फोटो जरूर खिंचवाएं, ताकि जीवन हमेशा याद रहे कि हम रुणेचा गए थे और बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के अलावा हमने खूब मस्ती भी की थी। देखिए जो लोग रुणेचा आते हैं वो अलग अलग रूप में रुणेचा यात्रा का मजा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी करवाई जा रही है। रुणेचा में आप जीप में बैठकर फोटो खिंचवा सकते हैं और इसके अलावा आप बुलेट पे फोटो खिंचवा सकते हैं, झूले में बैठ के खिंचवा सकते हैं, बुलेट के साथ भी कोई फोटो खिंचवा सकता है। ये देखिए ऐसे मौके जीवन में कम मिलते हैं, महिलाएं बुलेट बहुत कम चलाती है, लेकिन फ़ोटो आप रुणेचा में आके खिंचवा सकते हैं। अनेक स्टूडियो यहाँ पर है जो आपको तरह तरह की फ़ोटोग्राफी का मौका देते हैं और तुरंत फोटो दे दिया जाता है। महिलाएं जीप में बैठकर बुलेट पे बैठकर फोटो खिंचवाती हैं। यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी मोटरसाइकिल है यहाँ पर, तुरंत आपको यहाँ पर फोटो दिया जाता है। अगर आप रुणेचा आते हैं रामदेव जी के दर्शन करने के लिए तो इस यात्रा को आप यादगार बना सकते हैं। रुणेचा में ऐसे अनेक स्टूडियो है जहाँ पर आप खूबसूरत जीप के साथ अपना वीडियो बनवा सकते हैं, आप बुलेट पर बैठकर वीडियो बनवा सकते हैं, यहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज के साथ आप फोटो खिंचवा सकते हैं। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं, समाधि पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ से दूर से दर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे अनेक स्टूडियो है जहाँ पर आप जीप में बैठकर बुलेट पर बैठकर बाबा रामदेव जी के साथ, छोटे बच्चों के लिए मोटरसाइकिल जीपें हैं उनमें आप फ़ोटो खिंचवा कर बाबा रामदेव जी महाराज के रुणेचा यात्रा को आप यादगार बना सकते हैं। भक्तों का अंदाज यहाँ पर, बाबा रामदेव जी के भक्त झूम रहे हैं।
रुणीचे का दृश्य आप देख रहे हैं। आज भाजपा की नहीं श्रावण की दूध है, लेकिन नज़ारा भाजपा जैसा लग रहा है यहाँ पर। देखिए रामदेव राय की मस्ती बाबा रामदेव जी के दरबार में भक्तों की। दौड़ते हुए चल रहे हैं भक्त। श्याम की कहते हैं बाबा रामदेव जी भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरी इच्छा थी कि आज भादवा की तीज के दिन भी पैदल यात्रियों के दर्शन किए जाए। ये देखिए आप पे ये पैदल यात्रियों का जत्था रुणेचा जा रहा है दर्शन करने के लिए। सुंदर सुंदर बाबा की ध्वजाएं हैं, कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। आप ही आगे बाबा जी आगे। क्या नाम आपका? बाबा रामदेव। आपका नाम क्या है? होमा रामदेव। रामदेव कहाँ से आए हो आप? दुगड़ौलती। दुगड़ौलती कितने किलोमीटर? 350-400 किलोमीटर। 350 किलो। कितने दिनों से चल रहे हैं आप? चार। अच्छा श्रावण में क्यों भादवा में आते हैं हमेशा लोग? ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक है सब वजह से। हेलो बाबा के क्या कह रहे हो? मंदिर बंद होने की संभावना सुनने में आई। क्या? अच्छा अच्छा, कोरोना काल के कारण कल को भादवा में मंदिर नहीं खुले, बंद हो जाए तो किसके लिए? रामदेव राय मीडिया प्रभारी से सूचना मिली थी कि अब की बार बाबा का जो जातरू है वो श्रावण महीने तक ही यात्रा करे, भादे महीने में मंदिर बंद होने की संभावना है, इसीलिए हम लोग हमारी रामदेव युवा संघ हम लोग टीम मिलकर अभी बाबा की समाधि का दर्शन करना चाहते हैं। कितने लोग आप? हम लोग 31 मेंबर्स है। आप सुन रहे हैं मेरे साथी रिडबल जी जो कि इस समय कैमरे पर है। ये देखिए कितने सुंदर ध्वजाएं बाबा की हैं, और ये 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुँचे हैं 7 दिन से, और कह रहे हैं कि लोगों से सुना है कि भादवा के मेले पर मंदिर के पट बंद हो सकते हैं कोरोना के लिए, इसलिए वो इस बार श्रावण में ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा 31 लोगों का दल है वो रुणेचा बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए जा रहा है।